हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने आपसे जो वैकेंसी इनवाइट की है, न्यू वैकेंसी जो की है आपके यहाँ पर जूनियर टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसकी जो सभी डिटेल है इस वैकेंसी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का, वहाँ पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड जो लास्ट डेट है इसके अप्लाई की वो 30/9/2019 आपकी रहने वाली है और ए फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, वहाँ पर आकर आप इसकी सभी डिटेल को चेकआउट कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन टैब पर, आप पहुंच जाएंगे इसके कैरियर सेक्शन पर। यहां पर देखिए आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको यहां दी गई है, तो आप आराम से डिटेल को चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसको अप्लाई करने के लिंक के लिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा टैब अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट का। आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जो कि इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर है एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां देखेंगे कि आपको यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाएगा। यदि फ्रेंड्स ये आपका माउस से सेलेक्ट नहीं होता है तो आपका जो कीबोर्ड का डाउन एरो है उसको दबाएंगे तो आप यहां पर इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद सेम फ्रेंड्स यहीं पर भी आपको ऐसे ही सेम करना है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ फिल करना है कैंडिडेट फुल नेम, तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप फ्रेंड्स यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जेंडर का ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपका जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे आप। और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स जो साइड में ऑप्शन है वो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि है आपके फादर नेम का, तो आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कैटेगरी है, तो आपकी OBC, SC, ST या जनरल जो भी कैटेगरी है वो फ्रेंड्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है एप्लीकेंट कैटेगरी का ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए फिर दोबारा ऑप्शन है आपका, तो आप यहाँ से आपकी फिर दोबारा कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैम का। यदि फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल हैं, मतलब इस पोस्ट में आप आते हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करने वाले हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, तो इस डेट के दौरान अगर आप वहाँ के निवासी थे तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर है आपका मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन, तो यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं, सिंगल कैंडिडेट हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं तो ये है आपका डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नेशनलिटी यहाँ पर आ जाती है, ये है आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब आप किस स्टेट के निवासी हैं, तो सभी स्टेट आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आपका जो भी स्टेट है जिस स्टेट के आप निवासी हैं वो आप फ्रेंड्स यहाँ से सेलेक्ट करने वाले हैं। ये है फ्रेंड्स आपका मदर टंग, तो आपकी जो भी मदर टंग है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख देंगे। और ये है आपका मोबाइल नंबर, आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पहले से ECIL में एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर यस करके आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट कोड है और आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आप यहाँ पर मैंशन करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन मिलता है आपके रिलीजन का, तो आपका जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है वो आपको लिखना है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी, तो आपकी देखिए मेल आईडी आपको सबसे पहले आपकी मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट आपको एंटर करना है। इसके बाद जो @ वाला ऑप्शन है यहाँ पर जो भी आपका डोमेन है वो आप सर्च कर लेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपकी कन्फर्म मेल आईडी का ऑप्शन, तो आपको नीचे आपकी जो मेल आईडी है वो कन्फर्म करनी है विद डोमेन नेम। ये आप यहाँ पर सिंपल स्टेप है, आराम से आप इसको फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इन स्टेप्स में नहीं होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है जो कि है वैलिडेट पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, यहां पर फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस का, तो मतलब आपका जो भी एड्रेस है जो आप लिखते हैं, अपना डोर नंबर, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यदि आपके पास ये नहीं है, आपका फ्लैट या डोर नंबर या हाउस नंबर नहीं है, तो आपका सिंपली जो आपका एड्रेस है वो आप इस सेक्शन में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्ट्रीट या लोकेलिटी अगर आपकी है तो आप यहाँ पर वो भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका विलेज, टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स आपका स्टेट का, तो आप किस स्टेट के निवासी हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पिन कोड है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। यहां पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन और है आपका फोन नंबर का, जो कि आपका लैंडलाइन का होता है, यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए नीचे वाला जो ऑप्शन है वो आपका अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको क्लिक करना होगा वैलिडेट एड्रेस पर।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो आप इस कॉपी पर क्लिक कर देंगे, यदि ये अलग अलग है तो आप मैनुअल एंट्री इसकी कर लीजिए। कॉपी पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे दोबारा से आपका जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन डिटेल है ये आपका ओपन नहीं हुआ है, आपको यहाँ से इसको वैलिडेट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है नेम ऑफ द डिग्री, तो देखिए प्राइमरी क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई है वो कम से कम आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले है नेम ऑफ द डिग्री, तो यहाँ पर देखिए बीई बीटेक आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रांच या स्पेशलाइजेशन का, इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आप किस में आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है क्लास अवॉर्डेड, तो आपने फ्रेंड्स डिस्टिंक्शन के साथ फर्स्ट या सेकंड इक्विवेलेंट आपने कैसेस को पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर मार्कशीट नंबर का, तो फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट पर ये लिखा होगा, यदि नहीं लिखा है मार्कशीट नंबर तो अपना सीरियल नंबर, या फिर अगर सीरियल नंबर भी नहीं है तो फिर अपना रोल नंबर जो है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली आपको वो चीज़ देनी है जो कि आप मार्कशीट में शो कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स मंथ एंड ईयर ऑफ जो आपकी पासिंग है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है आप किस ईयर में पास आउट है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको जो सिस्टम दिया गया है वो है आपके मार्क्स परसेंटेज का, इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक सिस्टम दिया गया है जो कि है आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर मेमो, या फिर सिक्योर मार्क्स वर्सेज मैक्सिमम मार्क, आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डिटेल फिल करनी होगी। यदि आप सिक्योर मार्क्स सेलेक्ट करते हैं तो सिक्योर मार्क्स का आपका ऑप्शन आ जाएगा, यदि आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो मार्क्स परसेंटेज है आपकी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें है आपके कॉलेज का नाम, तो आपका जो भी कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ फिल करेंगे, और उसके बाद अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो आप फ्रेंड्स यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप ये फिल कर देंगे इसके बाद जो नीचे के ऑप्शन है ये आपके एक्टिवेट नहीं होंगे, और ये एक्टिवेट तभी होंगे जब आप यहाँ से इसको वैलिडेट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पर देखिए आपको 10th से स्टार्ट करना है, उसके बाद जो अपर डिग्री चलती जाएंगी वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। जैसे बात करें SSC मीन्स 10th क्लास के लिए, HSC मीन्स 12th क्लास के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपके स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इसके बाद ये जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी है आपकी वो आपको लिखनी है। इसके बाद मंथ ऑफ पासिंग आपको लिखना है और ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स क्लास सिक्योर, तो आपने यहाँ पर डिस्टिंक्शन में फर्स्ट इक्विवेलेंट या सेकंड इक्विवेलेंट आपने कैसे इसको पास आउट किया है, आपकी जो परसेंटेज है और आपका जो स्टेटस है वो क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैक्सिमम आप जो है 4 सेक्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 को ही फिल करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में होगी। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है या कोई डिग्री है तो वो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन करके उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां से वैलिडेट करना है क्वालिफिकेशन डिटेल को। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके यहां पर समरी ऑफ द स्किल सेट, या फिर कोई अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो कि 31/8/2019 तक काउंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है आपके पोस्ट हेल्ड के लिए, मतलब आपकी क्या पोस्ट थी, आपने पीरियड फ्रॉम कब से कब तक इसमें काम किया, आपने जहाँ पर काम किया जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस एम्प्लॉयर के पास उसका नाम और एड्रेस आपको देना है, आपकी ड्यूटी क्या थी, आप क्या काम करते थे वो आपको देना है, और आपका रीजन फॉर लीविंग आपको देना होगा कि आपने वर्क क्यों छोड़ा। और इसके बाद है पे लास्ट डाउन, मतलब आपने कितना सैलरी लास्ट टाइम जो है ली थी वो आपको यहां पर फिल करना होगा। अब ये तो बात हो गई फ्रेंड्स आपके एक्सपीरियंस की। यदि फ्रेंड्स आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपकी एसेंशियल नहीं है आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना, तो इसलिए फ्रेंड्स इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट डिटेल पर। यह है फ्रेंड्स आपके 2 रेफरेंसेज, तो यहाँ पर देखिए 2 पर्सन के आपको रेफरेंस देने ज़रूरी है। यहाँ पर आपको नंबर देने हैं उन रेफरेंसेज के, उनका नाम देना है, उनका रिलेशनशिप आपसे रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद है आप यहाँ पर पोस्ट हेल्ड, तो वो किसी पद पर काम करते हैं, किसी पोस्ट पर काम करते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके रेफरेंसेज हैं वो आप यहां पर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपके यहां पर लैंग्वेज नोन की, तो यहां पर देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 2 लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज तो आप यहां पर फिल करें, और इसके बाद इसमें क्लिक करें स्पीक पर और रीड पर, और इसके बाद राइट पर। यहां पर फ्रेंड्स ये जब आप क्लिक कर देंगे इसके बाद आप यहां से इसको वैलिडेट करें। इसके बाद फ्रेंड जो नीचे है आपका ऑप्शन वो है आपके यहाँ पर आपके फोटो एंड साइन अपलोड से, तो यहाँ पर देखिए आपको साइज़ दिया गया है कि जैसे सिग्नेचर का जो साइज है वो 50 KB मैक्सिमम बताया गया है, आपके फोटो का जो साइज़ है वो आपका मैक्सिमम 100 KB बताया गया है, तो आप यहाँ पर इनको अपलोड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड जब आप यहाँ पर अपने फोटो एंड साइन अपलोड कर देंगे, मतलब सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जितनी डिटेल आपने भरी हैं वो एक बार ऊपर से लेकर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप एक बार चेक कर लें, और चेक करने के बाद आप क्लिक कर दें सबमिट वाले टैब पर। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। यहां पर आपके जो भी डिटेल्स हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर है, वो सभी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट या फिर व्यू एप्लीकेशन का, आप यहां इस सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप यहां से जो डाउनलोड टैब है आपका, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, यहां से आप क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने जो वैकेंसी आपकी निकाली हुई है उस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने बात की है। फिर भी कोई दिक्कत या कोई क्यूरी है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा jobrasta.com का, वहाँ पर जाकर फ्रेंड्स आप इसकी सभी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड अलास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।